कल तक यहाँ इबादत होती थी, आज पसरा है सन्नाटा। कल तक लोग यहाँ सजदा करते थे, आज सकते में है। इन सन्नाटों के शोर में पांव फैलाए खड़ा है कोरोना वायरस का डर। मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना की यात्रा पर सऊदी अरब ने रोक लगा दी है। सालाना हज यात्रा से पहले सऊदी अरब ने यह अहम फैसला लिया है। अब तक मध्य पूर्व के देशों में कोरोना के संक्रमण के 220 मामले सामने आ चुके हैं। मक्का के अलावा अरब ने मदीना में स्थित पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। तेल के मामले में समृद्ध सऊदी अरब के इस फैसले से पता चलता है कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर कितना संजीदा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमने सभी देशों के एंट्री वीजा को निलंबित करने का फैसला लिया है। हमने अपने देश के नागरिकों को भी हिदायत दी है कि कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की यात्रा करने से बचें। हालांकि सऊदी सरकार के इस फैसले से देवबंद के मौलाना सहमत है। मौलाना का कहना है कि अगर सऊदी प्रशासन ने इस बात का फैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। कोरोना वायरस आज बहुत बड़ा मसला है और इसी वजह से सऊदी ने ऐसा फैसला लिया। इसी बीच मौलाना ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सऊदी लोगों का बचाव कर रही है, लेकिन वही भारत सरकार दिल्ली में लोगों को आपस में लड़वा कर मरवा रही है। हुकूमत सऊदी अरब का यह फैसला बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़रूरी है कि उस मुल्क में भी कहीं बीमारी ना फैल जाए, और इस ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए उन लोगों ने अहम कदम उठाए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और मुल्क के हालात को अच्छे से अच्छा रखा जा सके। क्योंकि वो हुकूमत जानती है, वहाँ हुकूमत अपने लोगों की सुरक्षा करना बहुत ढंग से जानती है, और उन्हें अपने यहाँ के लोगों का बड़ा दर्द भी है और बाहर से जाने वालों की भी उन्हें फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसकी चपेट में आ जाएँ। तो उनका फ़ैसला बहुत अहम था और ज़रूरी था, क्योंकि जान का बचाना फ़र्ज़ है। और हमारी हुकूमत की तरह नहीं कि हमें वायरस से लड़ना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़ करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके बड़ी साजिश के तहत दिल्ली में कत्लेआम मचाया और खून की नदी बहा दी और बेशुमार लोग मारे गए, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और देश के हालात को खराब करके रख दिया है। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ कृपा एस झा, यूपी तक।